पता नहीं है और संविधान तो बिल्कुल समझते ही नहीं। उनके दिलो दिमाग में है कि अफवाह की राजनीति करके भ्रम। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, राहुल गांधी संविधान बिल्कुल नहीं समझते, वो अफवाह और भ्रम की राजनीति करते हैं। संविधान को सबसे ज्यादा भाजपा समझती है। राहुल गांधी अगर भाजपा के संविधान के प्रति आदर समझ गए तो ये बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी हमेशा संविधान की बात कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनको पता ही नहीं है कि भारत को ठगने का काम मुगलों ने भी किया, अंग्रेजों ने भी किया। इस दौरान उन्होंने जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बिहारवासी और देशवासियों को शुभकामना बधाई। भगवान कृष्ण हमेशा कर्म को प्रधान मानते हुए जीवन के सारे उन संघर्षों पर सफलता प्राप्त करने का उन्होंने जो रास्ता दिखाया था, हम सब उस पर चलकर बहुत सारी सफलताओं को प्राप्त करते हैं। एक बार फिर से भगवान कृष्ण के इस जन्म उत्सव पर हम सबको बधाई देते हैं। सर, 24 अगस्त को राहुल गांधी जी ने संविधान सम्मेलन में भाग लिया और उन्होंने कहा कि हमने भाजपा से बहुत कुछ सीखा है। देखिए, राहुल जी क्या बोलेंगे खुद उनको पता नहीं है और संविधान तो बिल्कुल समझते ही नहीं। उनके दिलो दिमाग में है कि अफवाह की राजनीति करके, भ्रम की राजनीति कर भारत के लोगों को ठगा जा सकता है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि भारत को ठगने का काम मुगल भी किए, अंग्रेज भी किए और कई विदेशी आक्रांताओं ने किया है। लेकिन भारत के इस सांस्कृतिक विरासत को, यहाँ के संस्कार को और विचारों को, जिसमें मूल रूप से संस्कार भी है और लोकतंत्र भी है, उसको कभी वह थोड़े समय के लिए दबाया जरूर लेकिन समाप्त नहीं किया। और आज भारत अपनी संस्कृति और सनातन के विरासत पर, संस्कार के विरासत पर विश्व को शांति और ज्ञान का संदेश दे रहा है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक बड़ा उदाहरण बनकर हर क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सौहार्द के क्षेत्र में, वसुधैव कुटुंबकम के क्षेत्र में फिर भारत अपनी चरम सीमा पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। तो संविधान की बात कर हमेशा राहुल गांधी जी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। संविधान को सबसे ज्यादा भाजपा समझती है, माननीय प्रधानमंत्री जी समझते हैं, इसलिए राहुल गांधी भाजपा के संविधान के प्रति जो आदर है उसको समझ गए या आगे समझ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं तेजस्वी पर हमला बोलते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि 15 साल तक राजद की सरकार थी लेकिन बिहार को क्या मिलता था, वहीं अब बिहार का विकास तेजी से हो रहा है। वहीं बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने तेजस्वी को लालू राज की याद दिलाई और कहा कि उस समय लालू राज अपराध का रूप था, अपराधियों को संरक्षण मिलता था। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। देखिए, एक डबल इंजन की सरकार फेल नहीं है। आप देखे होंगे कि इस बजट में भी बिहार के विकास के लिए मोदी जी की सरकार ने किस प्रकार से बिहार को प्राथमिकता दी है और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर यहाँ के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं की घोषणा पैकेज के रूप में किए हैं, तो इससे बिहार के विकास को गति मिली है। 15 वर्षों तक आरजेडी की सरकार थी और उस समय भी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में हुआ करती थी, तो बिहार को क्या मिलता था। बिहार को बजट में उस समय से भी उठाइएगा तो कई गुना ज्यादा राशि की बढ़ोतरी हुई है और बिहार का विकास उससे हो रहा है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो पहले मैं बार बार कह रहा हूं कि अपराध होते हैं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन आरजेडी लालू परिवार की सरकार में जो अपराध का वो रूप था, जो स्वरूप था, वह कैसा था? अपराधी को संरक्षण मिलता था, अपराधी करने वाले लोग का मनोबल बढ़ाया जाता था, अपराधी आरजेडी के मंत्री और विधायकों के घर में छुपते थे। गौरतलब है कि बिहार में रोजाना खुलेआम अपराधी किसी न किसी को गोलियों से भून देते हैं।
बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। बीते दिन ही मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र की चेगन नेवरा में बीते शनिवार की रात दो बाइक पर सवार चार नक्काबपोश अपराधी किराना दुकान में घुसते ही गोली चलाने लगे। दरअसल मुजफ्फरपुर एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गया, जहां बाइक सवार अपराधियों ने तीन लोगों को गोली मार दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बताते चलें कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर क्षेत्र के नेवरा चौक का बताया जा रहा है, जहां शाम बाइक सवार चार अपराधी नंदलाल साह के किराना दुकान पर पहुंचे और किराना दुकानदार पर गोली चला दी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।